गुड इवनिंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे का रायता। उसके लिए हमने कद्दूकस के खीरा रख लिया है, दो बड़ा साइज। उसके बाद हमने ऑयल रख दिया है, गरम हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए तेल हमारा गरम हो चुका था, तो इसमें जीरा ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मिर्च ऐड कर, देखिए हमने मिर्च भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हम सरसों ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने कद्दूकस किया हुआ खीरा ऐड कर दिया है। सरसों भी, काली सरसों थोड़ा सा तड़के हमने लगा दिया है। इसको तेल गरम हो गया तो उसमें हमने जीरा ऐड कर दिया। उसके बाद हमने एक मिर्च कट करके रखा था उसको ऐड कर दिया, वो हमारा पक गया। तो हम इसमें थोड़ी सी काली सरसों ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हमने खीरा हुआ कद्दूकस किया रखा था, खीरा ऐड कर दिए हैं। इसको हम 1-2 मिनट तक रख देंगे, ढक देंगे पकने के लिए। नमक देखिए, हमने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से चला के हम ढक देंगे। ये देखिए, दूसरी साइड हम जीरा भून लेंगे। हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। भूंज के आपको दिखाते हैं। अभी जीरा हमारा भूज रहा है, इसको हम थोड़ी देर कलर चेंज आने तक होने तक भूजेंगे। बहुत आसान सा तरीका है ये खीरे का रायता बनाना। एक बार आप इसको ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। जो हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें फैमिली दोस्तों के साथ। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखिए जीरा हमारा चटक चुका है। अब इसको हम बारीक पीस लेंगे, उसके बाद आपको दिखा। ये भी देखिए, दूसरी साइड हमने इसको भी फ्राई कर दिया है। ये अभी हमारा हल्का सा पक रहा है, इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे, हल्का सा सुनहरा होने तक। ये देखिए, हमने जीरा भून इसके पीस लिया। पीसने के बाद इसमें हम मिक्स कर दिए हैं दही में। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार काला नमक ऐड करेंगे। आपको काला नमक थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि काले नमक से टेस्ट अच्छा आता है, यानी ब्लैक नमक। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद आपको दिखा। इसमें थोड़ा सा वाइट नमक भी डाल दिया है, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर ले हैं। मिक्स हो गया है, अब हमारा खीरा पक रहा है। उसके बाद हम इसमें खीरा भी ऐड करेंगे ठंडा करके। ये देखिए हमारा खीरा पक के रेडी हो गया है। आपको बहुत देर नहीं पकाना है, 4-5 मिनट तक पकाना है। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको हम दही में ऐड करेंगे, नहीं तो गरम डाल देंगे तो फट जाती है दही हमारी, इसलिए इसको हम थोड़ा देर ठंडा करेंगे। ये देखिए हमारा ठंडा हो गया है, तो हम इसमें अब खीरा मिक्स कर दिए हैं, यानी ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से छिला लेंगे। देख लीजिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत टेस्टी बनता है। एक बार आप खीरे का रायता ज़रूर बनाइए। हमने इसमें ऊपर से तड़का नहीं लगाना, क्योंकि हमने एक ही बार में सब कर दिया। आपका बहुत जल्दी ये रायता बन के रेडी होता है खीरे का। नमक आपको चेक करना है, कम ज़्यादा आप अपनी पसंद का रख सकते हो। खीरे का रायता बनके हमारा